जी। अक्रोबटी पास पेपर वाली बुक्स निकाल लो और कुछ नाम या कुछ फोटो भी आ रहा है रजिस्टर में चलते हैं करना। अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर निकाल दो, तो अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर निकाल दो। हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ नवंबर। तो लोग थ्योरी मुझे ओरली बता दे जाना, न्यूमेरिकल भी करो। नवंबर 2012 पेपर वन, सॉरी पेपर टू थ्री, पेपर टू थ्री क्वेश्चन नंबर, पेपर टू थ्री और क्वेश्चन नंबर है फाइव। इन वाला क्वेश्चन निकालो। अगर तुम हमेशा पढ़ते हो, तुम्हारे पास बुक है ना, तो ये क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन जिसके पास बुक में क्वेश्चन मिल जाए वो फिर सॉल्व करें, फिर ना हो तो फिर ठीक है। चलो अब मुझे बताते जाना। मैंने एक सामने रखना, उसमें तुम लोग मुझे हेल्प करोगे जब उसमें नंबर है, डेटा है। स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईएमवीएफ दैट इज नॉट कॉमन टू अदर ट्रांसफर स्पेस। क्या ईएमवीएफ जो है वो स्पेस से गुजर सकती है और बाकी वेव जो होती है वो स्पेस से नहीं गुजर सकती? तो आंसर लिखो, ट्रेवल ट्रेवल इन द सेवन रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस लेबल ए टू जी। वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट। ये वो फेमस टेबल है जो मैंने आपसे कहा था कि रट के जाइएगा। A typical wavelength for the visible light T is 500 nanometer. वैसे visible region क्या होता है? 400 to visible light की range क्या होती है? 400 से लेकर 700 nanometer. Name the principal radiation and give a typical wavelength for each of the regions T. अब इसमें अगर ये वेवलेंथ राइट को कम हो रहा है तो इसका मतलब राइट साइड में फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। अच्छा, इसका मतलब मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, पूरा स्पेक्ट्रम, क्या अगर ये डी इनविजिबल लाइट है तो क्या ई का मतलब यू भी होगा, एफ का मतलब और जी का मतलब गामा। आप इधर से पीछे हट लो तो इसका मतलब आई आर होगा और इसका मतलब माइक्रो और इसका मतलब क्या होगा? चलो अगर तुम्हारे पास बुक है तो सारे लिख लो, नहीं आते तो मुझे यहाँ से देख के बताते जाओ। बी का नाम बताओ, ऊपर से देखते जाओ। माइक्रोवेव्स का नाम बताओ, अल्ट्रावायलेट। एफ का नाम बताओ। अच्छा, अब वो जो मैंने टेबल पर डाला था आज पर डाला दोबारा, वो अगर उन्होंने याद कर लिया है मुझे उसमें से वैल्यूज देख बता सकते हो। वेवलेंथ माइक्रो का मुझे वेवलेंथ बताओ, 10^-1 का मतलब है सेवन मिलीमीटर चेक कर रही आपकी
और ये वाला गियर करने दरवाजा बंद कर सकते हैं और उसमें वॉलंटियर नियमित ये है कि प्लीज बात ना करें कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर. मैंने आपको आज सुबह ग्रुप पर एक टेबल पोस्ट किया है, वो आप अपने सामने रख लो. अगर आप मास पेपर की बुक्स लाए हो तो बुक्स खोल लो, अगर बुक्स नहीं है तो फिर आप कोई भी रजिस्टर खोल लो, उस पे ईयर नंबर डाल दो. ईयर नंबर डाल के बस मेरे साथ सॉल्व करते जाओ. हमने आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो वेव्स के पेपर टू क्वेश्चन है. मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. बोलो नियर एफ इज इक्वल टू पार्टीशन कर दो. और तुम्हें वेलोसिटी पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी फिक्स होती है 500 नैनोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 510^-9. चलो अब ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया. ये कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन देख के करो. थ्योरी मुझे मॉरल बता दिए जाओ. अगर फारिक बैठे नजर आओगे तो फिर मजबूरी है कि आपको मुझे कहना पड़ेगा कि बेटा क्लास मत लो, फारिक ही बैठो. न्यूमेरिकल मुझे करके दो. इसको गौर से देखने से मसला नहीं होगा. अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको वापस देता रहेगा. सिक्स इंटू टेन टू द पावर इसमें पावर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है. जो ऐसा 14 में बाकी नाउ प्लीज ये कंसेंसस कर लिए कि 10 पावर कितनी आ रही है. 14 है. अब इसमें कंसेंसस हो गया. कहता है ऑल द वेव्स इन द स्पेक्ट्रम शोन इन द फिगर कैन बी पोलराइज. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म पोलराइज. इसने उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ी है, इसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ी है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर कोई डायग्राम बनाओगे. तो जब पोलराइजेशन डिस्कस की थी हमने, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बाई नेचर, बेटा बोलेंगे नहीं प्लीज, बाई वो सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड करती है. ये मैंने वेव्स का बेसिक पैटर्न बनाया. जब आप पोलराइज करते हैं तो क्या पोलराइजेशन से वेव्स की ऑसिलेशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? व्हाट इज पोलराइजेशन बताओ. आंसर दो, बताओ व्हाट इज पोलराइजेशन. क्या मैंने स्क्रीन पे वर्किंग भी की है, क्या वेव्स की ऑसिलेशंस को ब्लॉक कर दिया जाए और ऑसिलेशंस एक प्लेन पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, क्या दिस इज पोलराइजेशन? इंग्लिश बना दो. इस सवाल के कितने नंबर दे रहे? तो बैठो नहीं, डायग्राम बनाओ, डायग्राम कॉपी करो, कैलकुलेशन करो. हमने सर को पकड़ के बैठे रहोगे तो हम इसको ब्लॉक कर कोशिश करो कि मेरे साथ ना इसको ब्लॉक करेंगे. नहीं नहीं बेटा, पोलराइज ब्लॉक नहीं, इसकी ऑसिलेशंस को ब्लॉक करेंगे.
ऑसिलेशन को ब्लॉक कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन इन ऑसिलेशन. तो आज क्या पोलराइजेशन निकालना, और पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखिएगा कि इट इज द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द ऑसिलेशंस, इट इज द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द ऑसिलेशंस इन अ वेव टू वन प्लेन, बता दिया था. और जिस मैंने कहा था कि मैं आपको पहले इन्फॉर्म करता बेटा, बोलो कि प्लीज इस वक्त भी अगर किसी को बोलना है तो यार वो क्या सुनना चाह रहा है, अगर किसी को बात करनी है तो वो मुझे आंसर्स में हेल्प करे. अब बिल्कुल और कोई मजबूरी नहीं है किसी के लिए कोई मजबूरी नहीं है, कार ही नहीं लग रहा, अटेंडेंस मेरी जिम्मेदारी है, उसकी फिक्र नहीं कर, सबकी मैं लगा. पढ़ो, अ लॉन्ग रोप इज हेल्ड अंडर टेंशन. ये पेपर है नवंबर 2013, ये पेपर है नवंबर 2013 और उसका है 2-1. ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन, अगर आपके पास पास्ट पेपर की बुक में ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बुक में निकाल दो. अगर आप इस पर इसको कॉपी पे सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन मेरे साथ दिखते करो, बैठे नहीं रहो. मैं बार बार बता रहा हूँ उन बच्चों को, क्लास से निकाल रहा हूँ, दिखाते रहूंगा कि जो बच्चे फारिग बैठे हैं, गर्ल्स हों या बॉयज, अगर आप फारिग बैठे हैं तो प्लीज ओके तशरीफ ले जाए. A long rope is held under tension between two points A and B. Point A is made to vibrate vertically and a wave is sent down the rope towards B as shown. The time for one oscillation of point A on the rope is 0.20 second. Point A, point A is made to the point A moves a distance 80 millimeter during one oscillation. The wave on the rope has a wavelength of 1.5 meter. Explain the term displacement for the wave on the rope. चलो भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन. डिस्प्लेसमेंट फॉर अ वेव ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ चेंज ऑफ पॉइंट दैट ऑफ द वेव. हां देखो इसको स्पेशल ग्राफ से समझ रहे हैं सब लोग, काम कर रहे हैं किस कॉपी सामने रखे बस आप ऐसी कॉपी है स्पेशल इसे फोकस आस पे और आप मुझे ना सर और रिलैक्स हो गए जब इसमें ही कोई टेंशन नहीं है. जब एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसकी मेन पोजीशन से जो सेपरेशन होती है उसको क्या कहते हैं. जब कोई चीज ऑसिलेट करती है, जब वेव का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, वेव का डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, मूव करेगा, तो उसकी मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे. अगर तुम जहाँ हो जहाज पर जाओगे भी डिस्प्लेसमेंट है, जहाज से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये भी जाओगे एम्पलीट्यूड है. मेन पोजीशन से कोई भी सेपरेशन टिल द वेव वो क्या है. चलो अब डेफिनेशन बना दो, ठीक है. हाँ डेफिनेशन बनाओ, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है. मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ ब्लू में, ये सारे डिस्प्लेसमेंट हैं. अच्छा जो इसमें सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं. एक्सप्लेन द टर्म डिस्प्लेसमेंट फॉर द वेव ऑन द रोप, इट इज द सेपरेशन
इट इज द बेटा बोलना नहीं है प्लीज कॉपी में अलग काम करो दीवार के साथ वो जो बिल्कुल हाँ और हाँ बस यहाँ से नहीं हिलना. इट इज एक्सप्लेन द टर्म डिस्प्लेसमेंट. तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट इज द सेपरेशन फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन अ वेव. इट इज द सेपरेशन फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन. पास पेपर की जब भी तुम लोग आओ पास पेपर की बुक्स लेकर आओ, तुम्हें उसका फायदा है, तुम उस बुक में सॉल्व करो, घर पे भी पास पेपर करने हैं, यही मेन काम है इस वक्त. और मैंने पहले भी कहा था कि टॉपिकल को 15 मार्च 20 मार्च तक चलाओ, अपने सारे टॉपिक्स पूरे करो, उसमें क्यूरीज मार्क करो, मुझसे पूछो, दोस्तों में डिस्कस कर लो, कोशिश करो कि तुम्हारी जो रीड एंड राइट की बुक है या जो भी पास पेपर की टॉपिकल बुक है उसको कंप्लीट करो. तो मुझे बताओ कैलकुलेट फॉर द वेव ऑन द रोप द एम्पलीट्यूड. इसमें बताओ कि एम्पलीट्यूड जो है वो कैसे कैलकुलेट कैसे करें. ये तो कह रहे कैलकुलेट, इसमें तुम यहां और से पढ़ो. एग्जामिनर कहता है कि द पॉइंट ए मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 मिलीमीटर ड्यूरिंग. जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन में चलेगा तो क्या ये ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा जब वेव इसके अंदर से ऐसे गुजरेगी. यस. 80 मिलीमीटर क्या है, ऊपर जाने और नीचे आने का टोटल डिस्टेंस. अच्छा अब ये बताओ क्या ये वाला डिस्टेंस ये एम्पलीट्यूड है. तो क्या 80 अपॉन 2 होगा या 80 अपॉन 4. 80 अपॉन 4 होगा ऊपर जाने का और नीचे आने का. अगर ये 80 है तो इसका मतलब 40 ऊपर जाने का है, 40 नीचे आने का, उसका भी हाफ है क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये एम्पलीट्यूड है. तो बताओ 80 अपॉन क्या करूं. क्या इसकी स्पेस रिलेटिवली कम दी हुई है. क्यों दी हुई है रिलेटिवली कम. बताओ इसकी इस वाले पार्ट की. हाँ अरियन बोलो स्पेस क्यों कम दी हुई है. ट्रैप बनाना चाहता है कि ये छोटे सी वर्किंग है. और कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो आंसर डायरेक्ट लिखते हैं ओ लेवल स्टाइल में. वर्किंग की स्पेस कम होने का मतलब ये तो सही है कि लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है, लेकिन आप वर्किंग दिखाइएगा जरूर. इट्स अ हंटिंग टाइम उनके लिए कि उनको नवंबर सेशन लाइव करना है. द स्पीड बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या, वी इज इक्वल टू एक तो एफ लैम्डा होता है और क्या एक और फॉर्मूला भी होता है लैम्डा अपॉन. ये दो फॉर्मूलाज होते हैं. दोनों फॉर्मूलाज एक ही है. अब बताओ टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है. 0.2 और एम्पलीट्यूड है मेरे पास और वेवलेंथ कितना है. वेवलेंथ 1.5 है बेटा, बात ना हो प्लीज. 7.5 है सर. तो 7.5 कैसे आ रहे हैं, ऊपर क्या रखू 1.5. 0.2 ऑन द फिगर. Draw the wave pattern in the rope at a time of 0.05 seconds later than that shown. ये सवाल ये वाले पार्ट हमेशा ट्रिकी होते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेव जहां तक मैंने बनाई है, जहां तक वेव मैंने बनाई है उसके आगे वेव आप बनाओ और जो वेव आप बनाओ उसको कितनी देर के बाद शो करो. अच्छा अब ये बताओ कि वेव का टाइम पीरियड कितना है. 0.2. सब लोग देख के बताओ 0.2 है. 0.2 को जरा कंपेयर करो 0.05 से. क्या ये उसका 1/4 है. सब लोग बताओ 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05 अगर मैं रेशो करूं तो ये रेशो क्या बनेगी. 1/4. इसका मतलब मुझे 1/4 साइकिल और बनाना है. सही 4/1. नहीं वो तो बेसिकली ये तो 4/1 हो जाएगा लेकिन इसको समझो ये तो बेशक आप 4/1 कर दो लेकिन आपके आपको जो बनाना है वो क्या है. 0.05 बनाना है ना.
तो इसका मतलब है कि आपको फोर्क बनाने में शेप करके पूछता हूं कि ये क्या आधा साइकिल होता है और ये वाला अगर शेप कर दूं तो ये फुल साइकिल हो गया। मुझे जो साइकिल बनाना है वो बनाना है वन फोर्थ बनाना है, तो मैं आपको भी ड्रॉ करके पूछूंगा कि क्या मैं इतना और बना दूं, ये वन फोर्थ हुआ या हाफ हो गया। अच्छा, मैं अगर ये नहीं बनाता तो मैं अगर इतना सा बनाऊं, ये सही है सर, ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि ये कितना है? वन फोर्थ है। तो आप ऐसे ही बना दो अपने पास, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, वरना आप रफ्ती चले दो। अच्छा, अब आगे पढ़ो, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वेव्स ऑन द रोड। बेटा बात नहीं करें साथ, बिल्कुल। क्या चीज? देखो टाइम पीरियड, बेटा जो टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है ना, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2। एग्जामिनर का मतलब है कि वेव का एक पूरा साइकिल, इसको तुम स्क्रीन पे देखो, ये पूरा साइकिल है, ये साइकिल कितने में कवर होगा? एक साइकिल ये है। अब वो कह रहे हैं कि तुम हमें ड्रॉ करके दिखाओ किस टाइम का, 0.05 का। अब अगर 0.05 को तुम सोचो, मैं इसको आधा कर दूं तो ये 0.02 का हाफ हो गया, इसको क्वार्टर कर दो तो वो तुमसे ये इतना साइकिल मांग रहा है, ये होगा 1/4। अच्छा, अब आगे पढ़ के बताओ थ्योरी। कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वेव इन द रोप आर प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। मेमोरी अच्छी है, क्या स्टेशनरी वेव ऐसी दिखती है या वो लूप बनता है? तो ये तो दिख रहा है कि ये लूप नहीं है। वैसे यदि आता ना पेपर में कभी ऐसा हो तो तुम क्वेश्चन जरूर पढ़ो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो वेव वापिस आ रही हो। यहां बताओ कि ये वेव प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी? प्रोग्रेसिव है। और वो कह रहे हैं कि तुम एक तो स्टेट करो और एक, ये बताओ प्रोग्रेसिव वेव में क्या वेव प्रोफाइल एक डायरेक्शन में मूव करता है? और तुम लोगों में से जिन्होंने पास पेपर में एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखी हैं, उनको ये पता है कि वो एक खास लैंग्वेज में आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वेव जा रही है, वापस नहीं आ रही। जब आप एक माइक्रोवेव ओवन चलाते हैं तो वो वेव कौन सी होती है? स्टेशनरी, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर रहती है, बाहर नहीं आती। तो तुम आंसर क्या लिखोगे? तुम आंसर लिखोगे इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि एक नंबर दे रहा है तो तुम उसी में कॉमा डाल के लिख दो, वेव प्रोफाइल मूव्स इन अ डायरेक्शन। वेव प्रोफाइल मूव्स इन अ डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें ऑसिलेशंस पैरेलल टू द वेव होती हैं। तो जरा देख के बताओ कि ये कौन सी वेव है? ये तो परपेंडिकुलर है, तो क्या ये ट्रांसवर्स है? तो तुम एग्जामिनर को बताओगे इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, और रीजन क्या लिखोगे? ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मैंने आपको बताया था, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस इंपॉर्टेंट, मुझसे कल भी किसी बच्चे ने पूछा था कि पास पेपर हमें टॉपिकल कहां तक करने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों को कहते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे को बोली जाती है, वो ये वाली है जो 2012 से आज तक के। लेकिन जिन बच्चों के पास मार्जिन है वो पीछे जा सकते हैं। इसके पीछे जो स्टेशन है वो 2007 का है, और उसके पीछे जो स्टेशन है वो 2002 का है। वो हर बच्चे की अपनी च्वाइस है, उसको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। किसी के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास 4 हैं। अगर आप 2002 से आ जाते हैं तो MCQs में आपको 8 से 9 जो है, बेटा बोलो ने बीच में मैं बात कर रहा हूँ, पूरी बात सुना करें, एक मतलब की बात प्लीज अच्छे से समझ लो। सॉरी थोड़ा आप तमो इधर कर लो प्लीज, और फोकस इस तरफ, और बस यहाँ रोक लो। लेकिन बीच में बोलोगे बेटा तो वो पागलपन लगता है, जहालत होती है, जब टीचर बात कर रहा हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, और अगर जहालत दिखानी है तो वो बेशक अगस्त से दिखाइएगा। अब देखिए कि मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था कि अगर आप 2002 से करोगे तो 8 या 9 MCQs जो है आपको रिपीट मिल जाएंगे, 10 भी मिल जाते हैं। अब आपको पता है ना कि पेपर 1 में थ्रेशोल्ड कितने मार्क्स पर है? 23 से 24 आउट ऑफ
तो अगर आपको 10 रिपीट मिल जाते हैं तो फिर तो आपका ए तकरीबन कंफर्म होता है, क्योंकि आदमी थोड़ा बहुत तो चांस ले लेता है। ये अच्छे से याद रखो कि तीन मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ए लेवल में जो हेल्प करते हैं। सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट मार्किंग स्कीम होती है, सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट मार्किंग स्कीम है, उसके बाद एग्जामिनर रिपोर्ट है, और जो सबसे ऊपर लेवल टच होता है वो है स्टूडेंट रिस्पॉन्स बुकलेट। अगर आप वो बुकलेट एडॉप्ट कर लेते हो, उसको फॉलो कर लेते हो, तो फिर आप ए ग्रेड के लिए क्लेम कर सकते हो, क्योंकि उस बुक में एग्जामिनर डिस्कस कर रहा होता है कौन सी चीजों को ए ग्रेडर काउंट करता है, कौन सी चीजों को ए ग्रेडर नहीं देखता। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये है विंटर 2013 नवंबर 13, बेटा बोलो नहीं प्लीज, नवंबर 13 और उसका है 23, नवंबर 13 23 डिफाइन फॉर अ वेव। वेवलेंथ की एक तो ओ लेवल वाली डेफिनेशन थी, इट इज द सेट बिटवीन टू रफ और टू सक्सेसिव। सीआई उसको इतना एक्नॉलेज नहीं करता क्योंकि उसने नहीं बोला कि ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। बताओ वेवलेंथ ए लेवल वाली डेफिनेशन क्या थी, सारे बताइए, सारे थोड़ा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर हो जाए। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस आगे विच आर इन फेज, वेरी गुड। अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया और ये बहुत अच्छा आंसर है। देखो मुझसे अगर कोई एक बच्चे ने पिछले साल भी ये बात डिस्कस की थी कि इसमें ट्रफ और क्रेस्ट की क्या मिस्टेक है, क्या एग्जामिनर ने ये बोला है कि ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल, क्या अगर ये लॉन्गिट्यूडनल हो तो ट्रफ क्रेस्ट की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इसकी अच्छी डेफिनेशन क्या है, वेवलेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, वेवलेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विच आर एग्जैक्टली इन, कोई बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इन फेज क्या होता है, जब दो सिग्नल्स परफेक्टली सिंक हो, जब दो सिग्नल्स परफेक्टली सिंक हो, साथ ऊपर जाएं साथ नीचे आए, जैसे सोल्जर्स का मार्च पास्ट होता है या कोरस सिंगिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्जैक्टली इन फेज। अच्छा अब बताओ फ्रीक्वेंसी की अच्छी सी डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकल्स। इसमें जब आप मार्किंग स्कीम या एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे तो सीआई जिस चीज को सख्ती से मना करता है वो मेंशन करना द सेकंड, क्यों, क्या सेकंड क्वांटिटी का नाम है या यूनिट का, और फ्रीक्वेंसी लव्स यूनिट है या वो क्वांटिटी है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज दैट, सारे फिर मना कर रहा हूँ यार, मुझे जगह बदलने के लिए बताओ। देखो एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब तुम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करो, जब तुम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करो तो उसमें कभी भी यूनिट को मत आने दो। डेफिनेशन ऑफ अ क्वांटिटी शुड नेवर कंटेन एनी यूनिट। तो क्या गलती है, ओ लेवल में करते थे फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकल्स इन वन सेकेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, वन यूनिट आएगा सर सेकंड्स पर, यूनिट टाइम आएगा सेकंड नहीं आ सकता। गुड, ये मैंने पहले भी बताया बट मैं इसको रिपीट कर देता हूं, तो याद रख लेना कि किसी छोटी सी मिस्टेक को भी ये कह के मत छोड़ना कि यार एक पर से क्या होता है। यूज योर डेफिनेशंस टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एफ एंड द स्पीड। क्या ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा की बात कर रहा है, तो मेरे साथ डेरिवेशन शुरू करो। सबसे पहले तुम लिखोगे बाय डेफिनेशन, और बाय डेफिनेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v is equal to d upon t। तुम्हें दीवार की तरफ बैठने को कहा और दीवार की तरफ हो जो, बिल्कुल हाँ, अब दोबारा नहीं आना,
बताओ v इज इक्वल टू डी अपॉन टी फ्री। और फिर मुझे बताओ मैं एग्जामिनर को क्या बताऊंगा कि जब वो ये चीज कर ले तो उसको चाहिए कि वो वेव का कितना पैटर्न कवर करे, वन साइकिल के बाद मैंने पार्टीशन डाल दिया। अब मुझे बताओ मैंने पार्टीशन क्यों डाला, नीचे तो स्पेस बहुत सारी, वन से नीचे भी मैं जो मार्किंग लाइन है देखो ये मार्क डाला हुआ है, मार्किंग लाइन से नीचे मत जाना, ये कोशिश करना कि इसको अवॉइड करो। अगर कुछ कैंसिलेशन हो गई है वो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई कैंसिलेशन नहीं है तो इसके नीचे मत जाओ। वन साइकिल का मतलब है कि क्या टी लैम्डा के बराबर होगा? यस सर। और वन साइकिल का मतलब जो टाइम है वो कैपिटल टी होगा। तो अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो लैम्डा अपॉन टी, लेकिन टी किसके बराबर होता है? वन ओवर एफ के। तो तुम क्या लिखोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वन अपॉन एफ, तो वी क्या हो जाएगा? अब ये डेरिवेशन है, अब मैंने भी कितनी मरतबा की होगी, मैंने दोबारा की, इसी से मुझे याद रहेगी। आप भी इसको दोबारा करो। इसमें पूरा साल मैंने आपको दो चीजों के लिए परस्यू किया था, एक तो जितना हो सके ए लेवल में टेस्ट अटेंड करो, कभी इससे खतरा नहीं होता, भले आप हर टेस्ट में कम मार्क्स आए वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को एसेस नहीं होने दोगे तो ए लेवल आखिर में आके ब्लॉक हो जाता है। पढ़ो, प्लेन वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर रिप्रेजेंटेड वन पर्टिकुलर इंस्टेंट, द वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी 2.5 डिटरमाइन फॉर द वेव द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो वेव की हाइट होती है। मैं ये करता हूं सबसे पहले, जो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो, कि वेव के बिल्कुल बीच में एक लाइन बना देता हूं। ऐसी लाइन क्यों बनाओ? क्या ये वेव का एक्स एक्सिस हो जाएगा? अगर ये वेव का एक्स एक्सिस है तो क्या ये वाला सेपरेशन एम्पलीट्यूड होगा? हाउ मच इज द टोटल सेपरेशन? तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। आप देख लोगे कि उसने किस यूनिट में छोड़ने को बोला है, मिलीमीटर। अच्छा अब बताओ स्पीड, हमें फ्रीक्वेंसी दी भी है, v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है। अब मुझे बताओ कि लैम्डा कैसे निकलेगा? वो कितने साइकिल का है? एक, दो और तीन का तो नहीं है, थ्री एंड हाफ है या थ्री? थ्री एंड हाफ है सर। ये बाकी लोग भी चेक करके बताओ जिनकी अच्छी थ्री एंड हाफ है या हाफ फोर है? 3.75 कितने साइकिल? तीन और चार के बीच में आंसर है। 3.75 कर लें तो जहां तक ये कट लगा है, लग तो ये रहा है कि ये चार भी नहीं है और 3.5 होता तो 3.5 यहाँ रुक जाता, 3.75 है। तो मैं एग्जामिनर को कहता हूं 3.75 साइकिल फॉर 18 सेंटीमीटर, और अब मुझे कितने का चाहिए? एक साइकिल का मैं टेक्स्ट कर देता हूं, ये पर पेपर में शो करना और फिर मुझे आप लोग आंसर बता दो। 4.8 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या करूं? ये आंसर यहां कह रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर को मीटर कर लूं और उसको पुट कर दूं, फ्रीक्वेंसी तो सही है, तो क्या लिखूंगा? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.58 बेटा बोलो नहीं प्लीज, आंसर में हेल्प करो। 4.8
4.8 into 10 to the power minus 2. ठीक है. 1.2. 1.0.12. 0.12. कोई और भी अगर कंपेयर करके आंसर बता सके. सही आ रहा है. सही आ रहा है. रफीक आंसर. द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. अब ये जो सेपरेशन है ए और बी की, ये मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. और जब भी तुम्हें फेज का सवाल मिले तो एक बात हमेशा याद रखो कि 1 लैम्डा कोरिस्पोंड्स टू अ फेज डिफरेंस ऑफ 1 लैम्डा कोरिस्पोंड्स टू अ फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मच. 360 डिग्री या 2π रेडियंस. अब मुझे बताओ कि क्या ए टू बी, या बोलो रितीस, ए टू बी अगर मैं थोड़ी सी शेडिंग कर दूं अप्रोक्सीमेटली, ए टू बी कितना साइकिल है? हाफ है सर. मैंने शेड भी किया आपके लिए. सॉरी, ए टू बी कितना साइकिल है? हाफ लैम्डा. हाफ लैम्डा कर लूं. सबकी सबका फीडबैक तुम किस दीवार से हट गए? किधर बोर्ड पे देखो कितना है वो. सर नोड टू नोड है तो हाँ. फॉलो इनसे क्या करोगे तुम? दोनों में से कोई, दोनों बच्चों में से कोई भी जवाब दे दे जो शेप की है वो आधा साइकिल है या एक साइकिल है. हाफ साइकिल है. अब मैंने क्या लॉजिक उठाई है कि 1 लैम्डा कोरिस्पोंड्स टू 360. प्लीज 1 लैम्डा कोरिस्पोंड्स टू 2π और मेरे पास कितना है? चलो तो ये हो जाएगा पाई. लास्ट पार्ट देखो. द वेव इन बी वॉज प्रोड्यूस इन अ रिपल टैंक. डिस्क्राइब ब्रीफली विद द एड ऑफ अ स्केच डायग्राम हाउ द वेव मे बी ऑब्जर्व्ड. नीचे उसने जगह छोड़ी है और मार्क्स यहां आके दिए. मैंने आपको बताया था कि देखो रिपल टैंक तुम्हें जब बनाना पड़े तो वो असूल याद रखो कि जो ये डायग्राम्स होती हैं इनमें असल चीज होती है आपका कॉन्सेप्ट. नीचे एक व्हाइट शीट लगती है, इसमें वाटर होता है, उसमें एक डिपर लगेगा. डिपर को चलाएंगे किससे? डिपर को किससे चलाते हैं? सिग्नल जनरेटर से. और डायग्राम को लेबल करेंगे. ये डिपर है, ये क्या है? इसका टैंक है. और नीचे जो शीट है वो शीट हमने जो लगाई है वो एज अ बोले एज अ स्क्रीन है. जब टिपर मूव करेगा, जो टिपर है वो मूव करेगा तो क्या वो ऊपर और नीचे जाएगा? वेरी गुड, शाबाश. तो ऊपर हम एक प्रोजेक्शन लैंप लगा देते हैं, जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया. हम यहां पर एक प्रोजेक्शन लैंप लगा देते हैं. अगेन इन डायग्राम्स की कोई आर्टिस्टिक लेवल पे चेकिंग नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट. जैसे अगर लैंप ना लगाते तो ये मिस्टेक काउंट होती. डायग्राम इसी तरह कॉपी कर लो. मुझे लग रहा है कि इसने जो दो रखे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि 1+1 है. तो अब इसकी वर्किंग में लिख लो, पहले डायग्राम कॉपी कर लो. नहीं, ये जैसे आजकल के प्रोजेक्टर्स हैं, ये फुल ब्राइटनेस में चल जाते हैं, तो ये फुल ब्राइटनेस प्रॉपर रूम में चल जाता है. इसको डार्क रूम में करने की जरूरत अब नहीं है. अब लिखो जल्दी से, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है. प्लीज बातचीत रोके. इसमें लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स. ये डिजाइन पार्ट है. अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन. अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन. रन द टिपर एट अ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी. Arrange the apparatus as shown. Run the dipper at a constant frequency. Observe the waves on the screen. Observe the waves on the screen. Observe the waves on the screen. ठीक है, तो हमारा आज का काम यहीं तक है.
और आप सब लोग अब जा सकते हैं. थैंक यू फॉर एवरीवन जो जो आए हमारे कंटेंट.